के भाई साहब हैं जो कि पूरे देश का काट के अब बिहार में अवतरित हुए हैं बिहार का काटने के लिए। उन भाई साहब को मैं यही कहना चाहता हूं कि बंधु पढ़े लिखे का मतलब ये नहीं होता कि आप ये फ़र्क करना ही भूल जाओ कि घर की बहू कौन होती है और घर की नौकरानी कौन होती है। अगर आपकी नज़र में घर की बहू और नौकरानी एक बराबर है तो आपके पढ़े लिखे होने का कोई फ़ायदा नहीं है बंधु। दूसरी बात कि अगर वो इंसान जिसके बारे में आप व्याख्या कर रहे हैं कि वो नौवी फेल है, जी हाँ मान सकता हूँ कि वो नौवी फेल हो या पास हो, लेकिन आपको उनकी ईमानदारी भी समझनी पड़ेगी। अगर वो इंसान चाहता जिसके मॉम एंड डैड बोथ आर एक्स मुख्यमंत्री, तो वो इंसान आराम से डिग्री खरीद या बनवा सकता था या अपनी जगह पे किसी और की सिटिंग करवा सकता था दोस्तों, लेकिन उसकी ईमानदारी है कि वो इस काम पे नहीं गया। नंबर थ्री ये कि दोस्तों पढ़े लिखे आप भी हो और वो नहीं है जैसा आपका क्लेम है, तो मेरा ये कंसर्न है कि मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि आपसे अच्छी इंग्लिश वो बोल लेता है। तो आप समझ पा रहे होंगे मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। पढ़े लिखे होने का मतलब होता है कि आपके अंदर में कुछ परिवर्तन हो, वो परिवर्तन ज़रूरी है। माना कि आपके बाप दादाओं के टाइम पे उस कालखंड में कुछ ऐसा होता था कि जो नीचे वाले थे उनको आप नीचा ही दिखाते थे, लेकिन अब ऐसा ज़माना नहीं है। अगर वो हमारा मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री है, अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो हम उसकी तारीफ़ करेंगे।